तो तुम इसके नए बॉयफ्रेंड हो, करेक्ट? सैम को इस तरह डरते हुए मैंने कभी नहीं देखा। ऐसी कौन सी संजीवनी बूटी भेजी है बीजी ने? तुम में कोई फर्क नहीं आया। मीरा और बदल जाए ना। वैसे अपने घर आए मेहमान को पानी नहीं पिलाओगी? चलो मैं ही पी लेता हूं। वैसे प्लीज गिव हर सम स्पेस यार, कहीं आपकी इनसिक्योरिटी और जेलसी आप दोनों के रिश्ते में दरार ना पैदा कर दे। हाय दैया, दीदी ये कौन है और इसे देख के ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपने यमराज देख लिया हो? पापा क्या हो गया आपको? मेरे तो किडनी में हार्ट अटैक आ रहा है। तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो, कौन है ये बंदा? वो ही इज माय वेरी ओल्ड फ्रेंड। नमस्ते। नमस्कार जी। आप जी शुभ्रा? मेरे बच्चों की माँ। अच्छा अच्छा, तो आपका और इनका कोई रिश्ता नहीं है? वाओ, पति पत्नी और वो सब एक ही घर में रहते हैं, इंटरेस्टिंग। सारे सवाल अभी करोगे? बैठो ना, बिन बुलाए मेहमान ही सही। बिना चाय नाश्ता कराए हम वापस नहीं भेजते। सिट। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं जाने की जल्दी में नहीं हूं, सो जस्ट चिल। क्या हुआ? आर यू ओके मीरा? अरे मैं कोई भूत नहीं हूं, तुम्हारा बीता हुआ कल हूं। आओ बैठो। अरे दम यार, अपना ही घर समझो। तुम कैसे हो? हाय, तुमने मेरा हाल तो पूछा। देखो तुम्हारे सामने ही हूं। ओ, तुम वेदिका से नहीं मिली ना? वेदिका बेटा कम यार। वेदिका बेटा, ये है तुम्हारी पापा की फ्रेंड। जस्ट गुड फ्रेंड। और वक्त आने पर अच्छे दोस्त ही तो काम आते हैं, isn't it? वेदिका बेटा, वेनिला मिल्कशेक पसंद है? आजो। गो बेटा। चल। वैसे आनंद, तुम यहां कैसे? वो भी अचानक। भांडा फोड़ने आया हूं।
भांडा फोड़ने थोड़ी ना आया हूँ। यहाँ पर मैं काम से आया था, सोचा होटल में रुक जाऊं, फिर तुम्हारा ख्याल आया। मैंने सोचा इतने अच्छे दोस्त के होते हुए होटल में रहने की क्या जरूरत है, दो तीन दिन तुम्हारे यहाँ ही रह लूंगा। What nonsense यार, ये नहीं हो सकता। यार तुम फिर बीच में टपक पड़े, ये घर हीरा का है ना, तो उसी को डिसाइड करने दो। और तुम तो जानती हो कि मैं अगर बता दूं कि हमारा रिश्ता कितना गहरा है, तब तो ये सभी लोग मुझे यहीं रोक लेंगे। कहेंगे अनंत प्लीज मत जाओ। देखो तुम्हारा होटल में रहना ही ठीक होगा, पैसों की फिक्र मत करो, वो मैं दे दूंगा। सैम के पुराने दोस्त हो ना तुम। अरे यार तुम्हें नहीं पता हमारी दोस्ती कितनी गहरी है, तुम्हें नहीं पता कितने करीब आ चुके। दीदी समारा? It's okay. तुम बैठो आराम से। रोली प्लीज जिद मत कर बेटा। मम्मा आपने ही तो बोला था कि बाबा को साथ लेके जाएंगे, फिर सीता जी ने भी ऐसा ही किया था क्या? राम जी का वेट नहीं किया था उन्होंने? बिल्कुल किया था, और आपकी मम्मी भी करेंगी। हेलो, वैसे मुझे किसी ने बताया कि आप अपने पुणे के ओल्ड फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रहे हैं, तो हमने सोचा चलिए आपके लिए एक नया दोस्त ले आते हैं पुणे से। दिस इज वेदिका। आप भी पुणे से हो? मैं हूँ रोली और ये है ऋषि। ओके, बट तुम क्यों रोली? रोली नहीं, इसका नाम रोली है। ओके रोली एंड ऋषि, अब अपने नए दोस्त को अपना घर नहीं दिखाओगे? हम्म, तो चलो। दो मिनट। चलो माफ कीजिए, आप मेरी जिंदगी में दखल क्यों दे रहे हैं? मेरे बच्चों को झूठा दिलासा दे रहे हैं कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये है हमारी किचन, यहाँ पे हम खाना बनाते हैं। कैच। कोल्ड ड्रिंक पियोगी? नहीं, मैंने मिल्कशेक पी लिया, तुम्हारी मम्मी ने दिया था। ओके चलो मेरे साथ। तो ये है हमारा हॉल, ये देख रही हो, ये देख रही हो, ये देख रही हो, बहुत कॉस्टली है, छूना मत। तू तो ऐसे दिखा रही जैसे तेरा ही घर है। हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, हम लोग क्यों रहेंगे रावण आंटी के घर? नो स्टूपिड, हम लोग यही रहेंगे, वॉर में रावण आंटी को हरा कर ही जाएंगे। रावण आंटी कौन है? वो रावण आंटी मैं बताऊंगी। हमारे घर में ना दो टू टीम्स हैं, एक सीता टीम और एक रावण टीम। रावण टीम में सारे बुरे लोग हैं और सीता टीम में अच्छे लोग, जैसे कि मैं, ऋषि भी, मामा है सीता, और मैं हूँ हनुमान।
इसका मतलब हनुमान है। और ऋषि है लक्ष्मण, पापा राम। और रावण आंटी कौन है? एक आंटी है बहुत बुरी, इसलिए तो हम लोग वापस जा रहे हैं। तुम भी रावण आंटी से बच के रहना। हाय दया, अगर हमारी दीदी को कुछ हो गया तो हमारा कहाँ होगा? दीदी आपको कहाँ हो गया है? हाँ, कुलदीप भैया गए हैं डॉक्टर को लेने, पर हमें समझ नहीं आया कि आपको हो कहाँ गया। दीदी दीदी उठो ना, दीदी हमारी दीदी। दीदी उठ गई, दीदी को होश आ गया। की थैली है, गुब्बारा नहीं, इसमें काय हवा भर रही है दीदी। क्योंकि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अभी कौन है? ससुर हम तो इसका नाम भी नहीं सुने, नाम तो हम अनंत का भी नहीं सुने थे, वो कौन है? पर दीदी एक बात कहे, जब से वो आया है ना, आप शेरनी से भीगी बिल्ली बन गई है। हाँ तो उससे क्या छुपाना फिर की? वो जो बच्ची आई है ना, वेदिका, बेटी है मेरी और अनंत उसका पापा। अगर कुलदीप को पता चल गया ना कि मेरी एक इलेजिटिमेट, क्या कहते हैं उसे हिंदी में, हम समझ गए थी। हाँ नाजायज बेटी है, तो वो तो मुझे छोड़कर चला जाएगा। अपनी बीवी के पास, शुभ्रा के पास चला जाएगा। मेरी इज्जत का क्या होगा? बोल। आपकी इज्जत का दीदी भरता बन जाएगा, कचुंबर बन जाएगा, कीमा हो जाएगा। हम साथ गए। कोई तो चक्कर जरूर है, इतने सालों बाद अनंत को मेरी याद कैसे आई? अरे वो शुभ्रा और उसके शैतान बच्चे कम थे मुझे तंग करने के लिए, जो ये भी आ गया। ओ गॉड, बस शुभ्रा आज पुणे वापस चली जाए। आनंद का है? हाल में बैठा है। तो तू यहाँ क्या टाइम पास कर रही है? अरे नीचे जा, उस पर नजर रख और ध्यान रखना वो किसी से बात ना कर पाए। ओके जा। दीदी आप पहले लीजिए ना। तू जा। उसके बाद समायरा ने कभी कोशिश नहीं की वेदिका से मिलने की। जी नहीं, इतने सालों बाद भी अपनी बेटी को अपने सामने देखकर वो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे उसका कोई रिश्ता ही नहीं। अगर मैं चाहता तो वही मीरा का पर्दाफाश कर सकता था, लेकिन वेदिका के ख्याल ने मुझे रोक लिया। वो बच्ची जिंदगी भर इस झूठ पर विश्वास करती रहे कि उसकी मां इस दुनिया में नहीं है, बजाय इस सच के कि जीते जी उसकी मां ने उसे छोड़ दिया। मैं समझती हूं अनंत, आप ये सब कहकर मुझे ये समझाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि मैं यहां रुककर अपनी लड़ाई को जारी रखूं। लेकिन ये सब जानने के बाद मैं यहां बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहूंगी। जिस औरत को अपने खुद के बच्चे से लगाव ना हो वो तो किसी हद तक भी जा सकती है,
मेरे बच्चों को हार्म कर सकूं। ये रिस्क मैं नहीं ले सकती। आपका कहना सही है, लेकिन आप अकेली नहीं हैं इस लड़ाई में। जब एक 60 साल की औरत हार नहीं मान रही है, तो आप क्यों पीछे हट रही है? आपकी बीजी आपसे बहुत प्यार करती है, और बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। अगर आप वापस चली जाएंगी, तो आपकी मदद के लिए मेरा यहाँ आना, उनकी कोशिश सब बेकार हो जाएगा। नहीं आनंद, आपने जो कुछ भी किया, बहुत किया है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं भी बहुत सोच समझ कर ये फैसला ले रही हूं, और मुझे लगता है कि अब मेरा यहां से चले जाना ही ठीक होगा। थैंक यू। तुम कौन सी टीम में आओगी? टीम सीता, क्योंकि पापा कहते हैं आई एम अ गुड गर्ल। लेकिन मैं क्या बनूंगी? हम लोग तो यहाँ से जाने वाले हैं, तो कोई सी भी टीम। चुप। तुम जटायू बन जाओ। रोली। जटायू। रावण आटे की टीम में और कौन है? शूर्पणखा। वो फिरकी। किसकी फिरकी? इनकी। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? ये लड़की नहीं, इसका नाम वेदिका है, हमारी फ्रेंड है। हमने पूछा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पता नहीं, यहाँ तो दिख जाते ना आपको। दया दया, देखो हम कह रहे हैं हमसे होशियारी मत करो, चुपचाप हमें अपने पापा के पास लेके चलो, नहीं तो हम कह। मैं बताती हूँ ना, इसके पापा कहाँ हैं? पहले आप ये प्लीज खोल दो, प्लीज। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप देखना क्या होगा। बोलो। मुझे लगता है मेरे पापा के अंदर कोई भूत आ गया है। क्या? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि माताजी ने मुझे इतना बदल दिया है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं नहीं हूँ, बल्कि अपना ही डबल रोल हूँ। बीजी ने और आपकी आई ने मुझे ऐसे कमाल की ट्रेनिंग दी है कि मुझ जैसा शर्मीला सीधा साधा लड़का भी यहाँ आकर हीरो की एंट्री मारता है। ज़्यादा टपुरी जैसा नहीं लग रहा है? हैं? हाँ? ए रुक यार। मैं देखूँगा कैसे। चल शाबाश, चल।
मैं जानती हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए रिवॉल्वर रानी। जी माता जी। क्या बिल्ली की तरह म्याऊ कर रहे हो, शेर की तरह बोलो। जी माता जी। शाबाश, मार सुटिया। चलो शुभ्रा को फोन दो। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट, एक मिनट। जी बीजी। हाँ। अनंत हमारे लिए संजीवनी बूटी लेके आया पुत्र, और मेरा दिल कहता है कुलदीप को अब उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए पुत्र जहाँ इतने दिन इंतजार कर लिया, एक दो दिन और हैं अपने बच्चों के लिए। है बेटा जी। बीजी, मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, आपने जैसा कहा मैंने हमेशा वैसा ही किया, लेकिन अब मुझसे नहीं हो पाएगा बीजी।